रोहित शेट्टी की अजय देवगन मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी गोलमाल अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस की पहली जंग में आमिर खान, जायरा वसीम स्टारर सीक्रेट सुपरस्टार को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गई है। आइए जानते हैं कैसे। त्योहारी सीजन पर अगर दो बड़ी मूवी एक साथ रिलीज हो रही हो तो उनके बीच में पहली जंग होती है स्क्रीन पर कब्जे की। इस साल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों में गोलमाल अगेन आगे निकल चुकी है। गोलमाल अगेन ने न सिर्फ आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार को पीछे छोड़ा है बल्कि किसी भी बॉलीवुड मूवी को साल 2017 की सबसे बड़ी स्क्रीन काउंट के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि शाहरुख खान की रईस को भी। गोलमाल अगेन पूरी दुनिया में 4,232 स्क्रीन पर रिलीज हुई। स्क्रीन का यह आंकड़ा सीक्रेट सुपरस्टार पर काफी भारी पड़ा है। आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार को पूरी दुनिया में महज 2,840 स्क्रीन ही मिल पाई। गोलमाल अगेन ने 3,500 से अधिक इंडियन स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया तो सीक्रेट सुपरस्टार को 1,750 देसी स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ा। आइए आपको बताते हैं पहले दिन की कमाई। आमिर खान, जायरा वसीम की सीक्रेट सुपरस्टार ने पहले दिन 5 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया और देसी मार्केट यानी इंडिया में किया। 1,750 स्क्रीन पर की कुल कमाई को देखते हुए औसत ही कही जाएगी। वहीं खबरों के मुताबिक गोलमाल अगेन की पहले दिन की कलेक्शन इस साल की सबसे आगे रहने वाली कलेक्शन है। गोलमाल अगेन की अधिकतर सीटें 80% पहले दिन ही फुल रही हैं। ऐसे में भले ही कलेक्शन के साफ आंकड़े अभी तक नहीं आए पर बुकिंग के आधार पर गोलमाल अगेन ने रईस को भी पीछे छोड़ दिया है जिसकी पहले दिन सबसे ज़्यादा सीटें भरी रही। शाहरुख खान की रईस पहले दिन 60% सीटें भरकर सबसे आगे थी पर गोलमाल अगेन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी मूवी बाजी मार कर जाती है। जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने दोनों मूवी देख ली है तो आपको कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए जुड़ रहे हमारे साथ।